फिनिशिंग लेवल, मतलब एक बोलते हैं बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग करवानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे आके भैया से काम कराया, मुझे काम करा के बहुत ही अच्छा लगा। और भाई भी कहाँ से है? मैं बेसिक मुंबई से आया हूँ, मैं स्पेशली मुंबई से काम करवाने के लिए यहाँ। मुंबई से यहाँ से आने में कितना किलोमीटर है भैया? यहाँ से अभी यहाँ से कुछ 1475 पड़ता है, तो अप्रोक्सीमेटली लगा लो 1500 किलोमीटर रहने वाली है। सेम अर्टिगा वीएक्स है, सीएनजी मॉडल है, स्प्लेंडेड सिल्वर कलर की गाड़ी है ये। अभी तो मुझे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, जो ये टेम्परेरी नंबर है यही कस्टमर ने लगवाया है, और सीधा डायरेक्ट कस्टमर जो है ये मेरे पास लेकर आए गाड़ी। सो ओवरऑल पूरी गाड़ी का जो है काम स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। पूरी गाड़ी जो है साइड से आप देख सकते हैं पूरी खाली है, ये स्पॉइलर नहीं है, बिडिंग नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नहीं है। अभी सीट कवर हमने इसको आप देख सकते हैं पूरे खोले हुए हैं, ये साइड का पूरा पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी का मैं अंदर से आपको ओवरऑल एक बार व्यू दिखाना चाहता हूँ। पूरी जो गाड़ी है ये खाली है, ये पूरी गाड़ी को आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरी गाड़ी खाली है। इसमें जो हमने अभी काम स्टार्ट किया है वो सिर्फ फ्लोरिंग का काम हमने इसमें स्टार्ट किया है अभी, अदरवाइज जो सीट कवर्स हैं इसमें भी लगेंगे। डोर हमने खोले हुए हैं, वुडन का काम होगा, और डैम्पिंग का इसमें कभी काम होना है। ऑडियो सेटअप का पूरा काम होगा, स्टीयरिंग मैंने खोला हुआ है, स्टीयरिंग का भी पूरा काम हो रहा है, सीट्स का पूरा काम होना है। तो फ्लोरिंग की एक मैं छोटी सी एक वीडियो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो फ्लोरिंग हम करते हैं ये सेम कस्टमाइज स्टाइल में पूरी की हुई है, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी में ऊपर तक कवर्ड है ये, कहीं कुछ लैकिंग नहीं है, कहीं कुछ कटिंग वाला कोई पार्ट नहीं है, कहीं कैसे कोई लूज नहीं है। जहां से लॉक होनी है पूरी उसको लॉक की हुई है, और मतलब पूरा परफेक्शन के साथ पूरा काम होता है हमारे यहाँ पर। आपको मैं ये दिखाता हूँ एक बार, जो पूरे कर्व है इसके, ये पूरा चेकआउट कर सकते हैं, पूरे कर्व के हिसाब से पूरी बनी हुई आती है फ्लोरिंग ये, और क्रोकोडाइल मैट्स इसको हम बोलते हैं। अभी पूरी कस्टमाइज है, पूरा आप देख सकते हैं जितना फ्लोर पूरा बना हुआ उसके पूरे अकॉर्डिंगली पूरी बनाई हुई है ये मैट्स की फिटिंग जो है, सिंगल पीस में पूरी रहती है ये। पूरी जो मैटिंग की कटिंग है वो पूरी फ्लोर के हिसाब से पूरी बनी हुई आती है, पूरा आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा परफेक्ट तरीके से पूरा काम हो रहा है। जहां पर क्लिप निकाला वहीं वापस लगा दिया है पूरी फ्लोरिंग, उसके नीचे जो ओरिजिनल कटिंग है सेम कटिंग के ऊपर हमने कटिंग यूज की हुई है, और नट बोल्ट आप देख सकते हैं पूरी उसी पूरी लोकेशन पे पूरे लगाए हुए हैं। सीट कवर जहाँ से सीटें जहाँ से खुली हैं पूरी वहीं बंद होंगी। सो पूरी गाड़ी का एक बार जैसे काम होता है मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के साथ। कार्लेबाज मेरा चैनल है, कार्लेबाज है ये करमपुरा में पड़ता है, और करमपुरा जो है कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन और मोती नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। मोबाइल नंबर मेरे आप इसमें देख सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर सेम इसमें लिखे हुए हैं, ये 9999136323529813232। कार्लेबाज चैनल आपको YouTube पे भी मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब करो, नई नई वीडियोस के साथ उसमें मैं आपको पूरा मिलूंगा मैं। सो पूरी गाड़ी में जो भी हमारे काम हो रहे हैं पूरे परफेक्ट तरीके से पूरे काम हो रहे हैं, कहीं से कुछ लैकिंग वाला कोई पार्ट नहीं होता, पूरे प्रोफेशनल तरीके से पूरा काम होता है। ऊपर खोल के ये फॉग लाइट के पूरे कनेक्शन हो रहे हैं ये, सो आप पूरी इसकी फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं। पूरा बंपर हम खोल के लगाते हैं, बाहर से कोई फिटमेंट नहीं है निकालने वाली लगाने वाली। सो जेन्युइन एक्सेसरीज का पूरा पार्ट है, पूरी वायरिंग के हिसाब से पूरी गाड़ी में लॉक बने हुए आते हैं, और प्लग एंड प्ले वाला पूरा सिस्टम होता है इसका। फ्रंट का पूरा बम्पर हमने खोल रखा है, सीट कवर्स की मैं एक बार ओवरऑल लुक आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं एक बार आपको डैम्पिंग का वर्क दिखाना चाहता हूँ। डैम्पिंग के अंदर सेम हमने वो जो ब्रांड यूज़ किया था E4, सेम अभी भी वही हम यूज़ कर रहे हैं। 2mm की शीट है, रशियन ब्रांड है, जितनी मर्जी हीट हो टेम्परेचर हो ये निकलने वाला कोई प्रोसेस नहीं है इसका। 2 साल की इसकी गारंटी रहती है, वारंटी नहीं है, गारंटी है। तो ये लीक नहीं होगा, पील ऑफ नहीं होगा, पूरा प्लग एंड प्ले पूरे तरीके से इसकी रिले लग रही है, आप देख सकते हैं ऑटो फोल्डेबल, और जो पावर विंडो है उसके लिए रिले लगती है। जैसे हम गाड़ी को रिमोट से लॉक करेंगे साइड के मिरर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, जो भी विंडो डाउन है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। सो पूरी गाड़ी का एक बार मैं आपको इंटीरियर चेकआउट कराना चाहता हूँ मैं। सो जैसे पूरी गाड़ी रेडी होती है मैं एक बार आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। सो सर चारों दरवाजों के अंदर इसमें हमने डैम्पिंग भी यूज़ की हुई है, डैम्पिंग जो है वो E4 रशियन ब्रांड की मैंने आपको बताया ये। पूरी गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरी गाड़ी का मैं आपको ओवरऑल पूरा एक बार दिखाऊंगा। काम का तरीका सेम वैसे ही है जैसे हम करते हैं, गाड़ी भी मैं आपको बताऊंगा स्पेशली गाड़ी मेरे पास कहां से आई है, और पूरा हमने काम इसका पूरा खत्म कर दिया है। स्टीयरिंग का वर्क आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग हमने 2-टोन में इस पर इंस्टॉल किया है, ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की पूरी थीम दी हुई है। पूरी गाड़ी का जो कलर थीम है वो भी अंदर से पूरा हमने टैन और ब्लैक और वाइट कलर में पूरा थीम दिया हुआ है। सीट कवर की आप फिटिंग देख सकते हैं, हेडरेस्ट की फिटिंग आप प्रॉपर पूरी देख सकते हैं। ये सेमी बकेट सीट कवर्स हैं, सीट कवर जो अंदर आते हैं उसी के ऊपर हमने इंस्टॉल किया हुआ ये, फिर भी इसको हमने कस्टमाइज देने की पूरी कोशिश की हुई है। पूरी आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी सीट की फिटमेंट। सो
एकदम प्रोफेशनल तरीके से पूरा लगाया गया है और पूरे तरीके से पूरा इस पे काम किया हुआ है। पीछे की पूरी फिटमेंट आप देख सकते हैं, सेमी बकेट सीट कवर्स हैं ये। सो नीचे की फिटमेंट, ऊपर की फिटमेंट पूरी आपको चेकआउट करा दी मैंने। ये पूरा फिटमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से हुआ गया। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं दरवाजे की, तो डोर ट्रिम्स पे हमने इस पे लेदर रैप सेम किया हुआ है टू टोन में। जो इसे वुडन का वर्क किया वो भी हमने अपनी भली रॉयल गोल्ड के अलावा, मतलब इसमें आप देख सकते हैं जो फील है इसका, ये गोल्डन फील है। इसके अंदर हमने जो फिल्म यूज करी है हाइड्रोडिप, हमने ये रॉयल गोल्डन फिल्म हमने यूज करी है इसके ऊपर। पूरी आप गाड़ी की चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो थीम है वो गोल्डन की पूरी हमने इसपे दी हुई है। ये 10 पीस का इसमें हमने सेट लगाया, पूरा 10 पीस का सेट जो हमने इसमें लगाया है, 8,500 रुपए का हमने सेट लगाया। लाइफ टाइम वारंटी है इसकी, कोई ऐसा पार्ट नहीं खराब होने वाला, कोई प्रोसेस नहीं है। ब्राउन के साथ पूरा टैन के साथ पूरा पूरा मैच हो रहा है। ये दरवाजे भी आप देख सकते हैं, पूरे डोर ट्रिम्स पे पूरा ये काम हमने किया हुआ है। नीचे की आप फिटमेंट पूरी देख सकते हैं। सो पूरी मैंने आपको गाड़ी का पूरा चेकआउट करा दिया। ये इस पे हमने जो डैम्पिंग यूज करी है, ये E4 की रशियन डैम्पिंग हमने यूज करी है चारों दरवाजों में, बाहर की साइड में वो यूज हुई है। फ्लोरिंग का हमने काम आपको पूरा दिखा दिया था, क्लिप से पूरा लॉक किया हुआ है। सो पूरी आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्लोरिंग इस पे हमने करी है, सीट कवर हमने सभी बकेट इसमें लगाए हैं, स्टेयरिंग का हमने काम किया लेदर वर्क के अंदर, और डोर ट्रिम्स पे आप ये चेक कर सकते हैं। इस पे हमने ये भी डोर ट्रिम्स पे पूरी लेदर एप में फील किया हुआ है इसका। ऑरेंज के साथ व्हाइट थ्रेड दिया हुआ है, क्योंकि जो सीट कवर की क्विल्टिंग थी वो ऑरेंज कलर में थी, ये व्हाइट कलर में थी ऑरेंज के साथ। बैक साइड की अगर मैं आपको दिखाऊं, बैक साइड के अंदर भी सेम वही चीज है। पूरी आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरी सीट कवर की आप फिटिंग पूरी चेक कर सकते हैं। तो कहने का तरीका है कि भाई काम करना है परफेक्ट तरीके से करना है। गाड़ी का दरवाजा खोले, बंदा अंदर बैठे और उसको पता चले कि भाई यार मजा आ गया। बैक साइड के अंदर आप इसकी बैक साइड की सीट के मोबाइल के लिए पूरा स्लॉट उसमें दिया हुआ है, और किसी का कॉल आता है सब नजर आ रहा है सामने। इसको आप बाहर करके वीडियो किसी बच्चे ने देखनी है, गेम खेलनी है, वो सब देख सकते हैं इसके अंदर। सो उसको भी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। दो पॉकेट इसमें हमने दी हुई है बैक साइड में, और पूरा मोबाइल होल्डर का पूरा स्पेस है। यहाँ पर ये पूरी मैगजीन होल्डर है, मैगजीन होल्डर के लिए पूरा स्लॉट दिया हुआ, पूरा बड़ा स्लॉट है। निकलने का भी इसका भी कोई सिस्टम नहीं है कि ये खराब हो जाएगा फट जाएगा। सो पूरी गाड़ी आप पूरी चेकआउट कर सकते हैं, पूरा काम परफेक्ट तरीके से हो गया है। जो इसमें सिस्टम हमने इंस्टॉल किया, सिस्टम के लिए मैं आपको बताता हूँ अभी। सिस्टम जो हमने इसमें इंस्टॉल किया, सेम मोटर जो है का रहने वाला है ये, 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है ये मोटर जो है का, सेम ब्रांड का हमने सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। पूरी गाड़ी को बेहतर तरीके से पूरा बनाने वाला प्रोसेस है, आप पूरा देख सकते हैं। बैक की पूरी आप ये देख सकते हैं, रिवर्स के कैमरे की शार्पनेस बहुत शार्प है इसकी। HD कैमरा इस पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और उसकी प्लेसमेंट भी आपको मैं दिखाता हूं। मैं LED कैमरा इसमें हमने इंस्टॉल किया है, सेम आप देख सकते हैं पूरा स्लॉट जो बम्पर का पार्ट है उस पर हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं करी है, कोई होल नहीं किया हुआ। इससे पूरा आप चेकआउट कर सकते हैं। जो नंबर प्लेट के जो नीचे वाला नंबर प्लेट के जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें हमने ये पूरा इंस्टॉल किया हुआ है। LED कैमरा है, HD कैमरा है, और बहुत अल्ट्रा क्लियर है ये। सो बम्पर में कोई होल करने का प्रोसेस नहीं था, इसमें हमने नहीं किया कोई होल। ऑलरेडी इसमें सेंसर लगकर आते हैं, तो जितने भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं इसके अंदर सब जगह हम इसमें पीछे ये इंस्टॉल करते हैं। टूट फूट का कोई चक्कर नहीं है, अगर इम्पैक्ट होगा तो ये पार्ट टूटेगा, इंश्योरेंस से आप कवर कर सकते हैं, बट ये वाला कैमरा आपका सेफ रहेगा। सो बैक की अगर मैं बात करूं, तो बैक के अंदर हमने ये स्माइल रियर यू स्माइली इसमें इंस्टॉल किया हुआ है क्रोम पार्ट में। रियर रिफ्लेक्टर इसमें हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। रियर रिफ्लेक्टर के अंदर मैं आपको दिखाता हूं एक बारी, ये पूरा इंडिकेटर के साथ भी चलता है, पार्किंग के साथ भी चलता है ये। आप इंडिकेटर बंद कर देंगे या पार्किंग को ऑन कीजिए, आप ये पार्किंग में पूरा इंस्टॉल पूरा वर्क हो गया। ये ब्रेक करेंगे तो ब्रेक के अंदर ये ब्राइट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो पूरा ध्यान रखते हुए, वायरिंग कोई टेम्परिंग नहीं हुई, पूरी गाड़ी का पूरा प्रोसेस से पूरा लगाया हुआ है ये। तो गाड़ी रहने वाली है सेम मुंबई से कस्टमर आए हैं वीडियो देख कर हमारी, यूट्यूब पे भैया ने पूरा सर्च किया पूरा। सो सेम गाड़ी और सेम कलर, सेम वर्क, अपना प्रोसेस के हिसाब से पूरा करते हुए, बट लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। लोकेशन बिल्कुल ब्रांड न्यू मेरे पास। जो ये गाड़ी आई है वो आई है मुंबई से, हाँ जी ये गाड़ी आई है मुंबई से सीधा मेरे पास, और कार एक्सेसरीज के लिए पूरा भैया ने पूरा सर्च किया था यूट्यूब पर। सो 6-7 महीने से पूरा भैया सर्च कर रहे हैं, तो उनके बाद पूरा फाइनलाइज करने के बाद अब पूरा हमने गाड़ी का काम खत्म कर दिया है। सो इंस्टॉल हमने किया है, इसमें फ्रंट की फॉगलेट हमने इंस्टॉल करी है, ऊपर का जो क्रोम पार्ट है और जो नीचे का पूरा क्रोम पार्ट है हमने इंस्टॉल किया है। ये साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ आपसे, साइड प्रोफाइल के अंदर हमने
साइड की जो बिडिंग है, ये क्लैडिंग पूरी हमने इंस्टॉल करी है इसके ऊपर। पूरी क्लैडिंग आप देख सकते हैं, पूरी क्लैडिंग हमने इसमें इंस्टॉल करी है। आर्टिका की वेजिंग इसके साथ है। क्रोम के जो हैंडल है वो भी हमने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। क्रोम के हैंडल की आप फिनिश देख सकते हैं, प्रॉपर पूरा साइज के हिसाब से पूरा बनाया हुआ है ये। दूर से अगर मैं इस गाड़ी की बात बोलूँ, पूरी गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं। व्हील रिम सिल्वर है, ब्लैक है, सो उसके साथ पूरा मर्ज किया। सारी चीजें हमने इंस्टॉल कर दी हैं इसके ऊपर। इंस्टॉलेशन होने के बाद एक बेस्ट पार्ट जो है मैं आपको वो दिखाता हूँ इस गाड़ी का। गाड़ी आपने लॉक करी है, और लॉक करते समय कई बार क्या होता है कि पीछे के शीशे भूल जाते हैं आप। इसमें हमने एक रिले लगाई हुई है, ऑटो फोल्डेबल जो साइड में रहे उसको मैनुअल आपको हाथ से करना पड़ता है। अभी इसमें क्या होगा, जैसे मैं गाड़ी को रिमोट से लॉक करूंगा, मैं ये रिमोट से लॉक होता है, ये फोल्ड हो गया ऑटो, प्लस साइड पे जो मिरर्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप ऊपर हो जाएंगे वन बाय वन। सो इसमें एक रिले का पूरा फंक्शन हमने ऐड किया हुआ है। गाड़ी को अनलॉक करेंगे, ये अनफोल्ड होगा, आप गाड़ी को लॉक करेंगे, ये फोल्ड होगा। आपको कहीं बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसमें क्या होता है, आप बैटरी कंज्यूम करोगे अपनी गाड़ी की भी। पहले इग्निशन ऑन किया, उसके बाद जहाँ जहाँ का जो बटन है उसको ऊपर नीचे हम करते हैं। सो इसके अंदर वो प्रोसेस पूरा ख़त्म है। कोई भी विंडो डाउन होती है, सपोज ये पीछे की एक विंडो डाउन है, और मैं बैक की दिखा रहा हूँ भी आपको। उधर का विंडो आप देखिए पूरा अनलॉक है, ये मैं आपको उधर दिखाता हूँ अभी। सो ये वाली विंडो जो है आप लॉक करो, जैसे ही गाड़ी को लॉक करेंगे ये फोल्ड हो गए, ये शीशा ऑटोमेटिकली चढ़ गया, आपका प्रोसेस खत्म। सो कार लिबास जो चैनल है ये मेरा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। करमपुरा में मेरी शॉप है, और मेरे बिल्कुल सामने महावीर भवन पड़ता है। ये महावीर भवन करमपुरा मोतीनगर के बिल्कुल पास है। पार्किंग का स्लॉट में कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, यहाँ पर पार्किंग की पूरी जगह ही जगह है हमारे पास, ये पूरी जगह खाली पड़ी है आगे। सो आपको किसी भी गाड़ी का काम कराना है, आर्टिका स्पेशलिस्ट तो आपको नज़र आ ही रहा है कि हम आर्टिका का बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत लेवल का काम करते हैं। सो एक चीज़ इससे हमने ये भी इंस्टॉल कराई है दोबारा, अभी एक रह गया था पार्टी भी, रियर का बाइक प्रोटेक्टर। तो स्टेनलेस स्टील में ही पूरा पार्ट होता है, निकलने को कोई प्रोसेस नहीं है इसका। अभी एक बार फिट हो गया तो हो गया, ये कुछ बहुत ज़्यादा हिट होगा तब ये बैंड होगा, अदरवाइज ऐसे बैंड नहीं होगा। सो आपकी गाड़ी का जो पिछला बम्पर है ये पूरा कवर्ड है इससे, कहीं कुछ डेंट वेंट का कोई काम नहीं है। सो मैं करता हूँ एक बार वीडियो को एंड, और चलते हैं कस्टमर के पास, एक बार छोटा सा रिव्यू कस्टमर से लेते हैं। सो काम जो है पूरा खत्म हो गया है, और मैं एक बार कस्टमर के साथ आपको लेके चलता हूँ। पूरा व्यू एक बार मैं बताता हूँ, गाड़ी कहाँ से आई हुई वो मैंने आपको बता दिया, और एक बार मैं व्यू रिव्यूज भी थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। भैया आपका नाम एक बार बताओ, आप थोड़े पास आओ। मेरा नाम जितेंद्र है, और सर जो है इनके फादर हैं। जितेंद्र जी आप एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ कि मुंबई से आप यहाँ पर आए सिर्फ एक्सेसरीज लगवाने के लिए। बेसिकली मेरे फादर नेवी में, तो वो अभी रिटायर हुए हैं, तो अभी मेरे को काम कराना था गाड़ी में। तो मुझे जब मैंने गाड़ी बुक की थी तो उसका वेटिंग पीरियड 6 महीना मुझे मिला था। तो मुझे ये था कि 6 महीने से मैंने चेक करना शुरू कर दिया, इसमें मॉडिफाई क्या क्या करवा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे देखे, बहुत सारे मतलब इंटीरियर देखे जो गाड़ी में करते हैं, बट एक होता है ना लास्ट में कि सेटिस्फैक्शन लेवल भैया का दिखा, और एक जेन्यूननेस कि फिर मैंने इनको कॉल करके पूछा कि भैया मुझे काम कराना है, तो उन्होंने सब गाइड किया कि आप ये कराइए, और उन्होंने मतलब इस तरह से बताया कि जो चीज़ जेन्यून है वही करवाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरा मन नहीं है तो भैया बोले नहीं ज़बरदस्ती कर दो, वैसा नहीं है, जो है काम वही कराओ। और मतलब जितनी गाड़ी अभी रेडी हुई है मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस हिसाब से काम होगा, और इतना एक्चुअली मेरे खुद के कज़न है, जो इंटीरियर का काम करते हैं इसमें गाड़ी का, बट मैंने उनको ना करवा के सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग लेवल, मतलब एक बोलते हैं बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग करवानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे आके भैया से काम कराया। मुझे काम करा के बहुत ही अच्छा लगा। और भाई भी कहाँ से हैं? मैं बेसिक मुंबई से आया हूँ, मैं स्पेशली मुंबई से काम करवाने के लिए यहाँ। मुंबई से यहाँ से आने में कितना किलोमीटर है भैया? यहाँ से कुछ 1475 पड़ता है, तो अप्रोक्सीमेटली लगा लो 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर से भैया मेरे पास आए हैं सिर्फ कार एक्सेसरीज में, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए, और यहाँ से भी वापस आपने मुंबई जाना, वापस यहाँ से भी कल मेरी मॉर्निंग। मेरे लिए तो सर ये बहुत थैंकफुल वाली बात है कि आप वहाँ से इतना सब छोड़ के मेरे पास आए, मुझे एक मौका दिया। तो मैं हर एक कस्टमर को चाहता हूँ, अब मैं मतलब अब जो भी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है साथ साथ काम के हिसाब से भी मेरे मतलब अच्छा ही हो रहा थोड़ा सा। सो काम आपको जैसा भी लगा हो मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कार लिबास मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में आपको बताइए कि भी क्या काम कैसा लगा, और क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और उसको बताइएगा। थैंक यू सर। ओके, मतलब काम का जो तरीका था वो प्रॉपर पूरा बेस्ट लगाना है। चलो थैंक यू जी। ठीक है भाई।